वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल का इंकशाफ किया है। शेख रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता रात पुलिस एहलकारों पर हमला दहशतगर्दों ने किया। वफाकी वजीर दाखला ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग, चोरी या डकैती का वाकया नहीं था। ये उस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद में साल का पहला दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। शेख रशीद ने बताया कि दोनों दहशतगर्दों तक पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल से लोकेशन का पता लगाया जा चुका है, जिसमें मसियाल की लोकेशन आई है। ये दहशतगर्दों का स्लीपिंग सेल था। याद रहे, गुज़िश्ता रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दो जख्मी हो गए थे, जबकि जवाबी फायरिंग से दो डाकू हलाक हुए। इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी के हदूद में पुलिस पर फायरिंग उस वक्त की गई जब मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया गया। इस्लामाबाद में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, ताजर हलाक, मुजाहिरीन का धरना। इस जमन में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मामूल की चेकिंग पर मामूल पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार दो दहशतगर्दों ने की। ये अफसोसनाक वाकया जेलाना पेश आया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने दरपेश सूरत हाल में दिलेरी से मुल्जमान का मुकाबला किया और दो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वेलकम टू सच एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।